कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार वीर जी। स्वागत है लता जी का। नमस्कार वीर जी। हाँ वीर जी, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो हम नमक का जैतून पानी में पाकर लेते हैं, उसके साथ हम इंग्लिश मेडिसिन ले सकते हैं क्या? जी जी। और कोई सवाल है आपका? हाँ जी, एक ये पूछती हूँ, जैसे ना मेरे भाई की शुगर के लिए वो दवाई ले रहे हैं, गोंद जामुन ले रहे हैं, वो 3 समय इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं, सवेरे दोपहर और शाम, उनको लेते 4 महीना हो गए। उनके शुगर ना वो फास्टिंग की बजाय वो शाम की शुगर टेस्ट कराते हैं, जैसे 5 बजे शुगर टेस्ट कराते हैं, वो उनकी शुगर आती है जैसे 130 वगैरह आती है, तो वह गोली छोड़े या कोई इंग्लिश मेडिसिन छोड़ेगा अभी चली लेने दो उनको? हाँ देखिए, अगर वो 12 घंटे में कराते हैं और या उससे पहले इतनी आ रही है तो बहुत अच्छी है, और इंग्लिश मेडिसिन कम कर सकते हैं, ज़रूरत अगर हो तो कम कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, और बहुत अच्छी शुगर आ रही है। देखिए, गोंद जामुन बहुत कम लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए सिर्फ उन तक ही ये मैसेज पहुंच सका है, या मेरे से जुड़े हुए लोगों ने जहां तक वो मैसेज पहुंचाया है कि गौन जामुन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके एक चुटकी सुबह और शाम खाने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, जैसे आपके भाई की। तो ये बात पहुंचाइए, क्योंकि हर घर में डायबिटिक मरीज़ है और ये दुनिया का सबसे तेज तरीन रॉ मटेरियल है जो डायबिटीज़ में काम करता है। जामुन हम खाते हैं आधा आधा किलो, एक एक किलो खा जाते हैं जब जामुन आती है, और ज़रा सी भी नहीं हिलती शुगर अपनी जगह से, लेकिन मशहूर है कि जामुन खाने से इससे फ़ायदा होता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि गौन जामुन दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रॉ मटेरियल या मेडिसिन कहो, अगर असली मिल जाए तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी दवाएं कम कर सकते हैं, और नमक जैतून ले सकते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ, थोड़ा सा फासला कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ले सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। झारखंड से हैं रतन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे 2-3 सवाल थे। जी सर। ये रसौस या रसवंती, इनके काम, कलमी सोरा, ये किस किस चीज में फायदा करता है? और सर, मैं आपकी शागिर्दी में एक 16 वर्ष की लड़की का चेहरे पर झाई वगैरह हो गया था, मुहासे हुआ, और मैंने उसे गोंद मोरिंगा दिया और नारियल का पानी पीने के लिए कहा, तो मैं 10 दिन में एकदम सफाया हो गया, चेहरा एकदम साफ सुथरा क्लीन। भाई वाह, बहुत मुबारक, और बच्ची को हमारी तरफ से प्यार करें। और सर, उस लड़की के एक प्रॉब्लम आया, उसे हल्का हल्का वोमिटिंग का ये टेंडेंसी होता था, तो मैंने उसे कहा कि आप, मैंने इसका ये सोनोग्राफी कराइए, तो उसके गॉल ब्लैडर में 16 mg का स्टोन निकला। तो कई एक नुस्खा मैंने लिख रखा है, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा कारगर होगा ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात सर, ये तो और खास है सर, उनके नाना 81 वर्ष के हैं। अच्छा। वो उनका कमर में चोट लगे, कमर घिसक गया था, घुटने में दर्द, वो चल नहीं पाते थे, मैं बार बार उस गली से अपने रोड से क्रॉस करता था, उन्हें दरवाजे के ऊंचाई पर बैठा हुआ देखता था, महीना, 2 महीना, साल भर देखता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं खा रहा हूँ काला गोंद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं संपर्क किया उनसे, और उन्हें काला गोंद, जैतून का सिरका, हार्ट का भी उनका प्रॉब्लम है, हाँ, तो जैतून का सिरका, काला गोंद दिया। आज मैं जब अपने छत से उन्हें देखता हूँ रोड पर जाते हुए और सामान लाते हुए, उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सामान लाएं, बाजार क्यों नहीं जा पाते,
और मैं देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है सर आपके प्रति, तो क्या बोले, क्या श्रद्धा से मैंने सर झुक जाता है। बहुत शुक्रिया। और कोई भी सवाल है आपका? नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगा सर, फिर इतना बता देता हूँ कि मुझे जो ये दर्द हुआ था तो उस समय मैं 15-16 वर्ष का था सर, आज 66 वर्ष का हूँ, 14-15 वर्ष का हूँगा। मैंने वो डबल बालिश तकिया वगैरह लेके सोने के कारण ये झुनझुनी वगैरह सब हाथों में पैरों में दर्द में दर्द, उसमें उस वक्त मैं डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर अवाक हो करके ये झुनझुनी क्या होता है वो अवाक होकर सिर्फ देखते थे मुझे। सही सर। और मैं कम हो गया हूँ, उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन किया, जॉब के बाद बर्धमान गया, बर्धमान में मेडिकल मैंने का बहुत बड़ा ये है, वहाँ मैंने नर्स डॉक्टर से दिखाया, वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे डॉक्टर ठीक है आपका जो ठीक है, अब मैं समझ नहीं रहा, मैं जमालपुर आया ट्रांसफर होके वहाँ ये सब दिखाया कुछ नहीं, वो फिर 5-7 वर्ष पहले, अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना दर्द सहा है, सोचिए सर 66 वर्ष और 14 वर्ष का था जब मैं सर था, और अब मैं सीढ़ी पर आराम से, सीढ़ी पर अगर सीढ़ी मेरे घर का सीढ़ी पूरब पश्चिम है तो मैं उत्तर दक्षिण होकर के एक सीढ़ी से दूसरे पर रखता था, फिर उसी दूसरे पैर को फिर उसी सीढ़ी पर रखता था और तब मैं उतरता था, सोचिए कैसा जिंदगी गुजारा हूँ मैं, और अभी मैं फट से चढ़ जाता हूँ और फट से उतर जाता हूँ। लेकिन आपका मैं उसी समय और करूंगा जब मैं खुद अपने तरीके से पालथी मार के जमीन पर बैठना शुरू कर दूंगा सर, तब मैं आपके लिए जो आपको कहना पड़ेगा मैं वो करूंगा आपके सम्मान में। देखिए बहुत सम्माननीय हैं आप, और देखिए आप रेलवे से रिटायर हैं, आपसे कई बार बात हो चुकी है, और आप जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, कि एक आदमी जो घर पर बैठा रहता था आप उन्हें देखते थे, आज वो सब्जी लाने लगे, बाजार जाने लगे, किस कदर वो आपको सम्मान करते होंगे और कितनी दुआएं देते होंगे, और जितनी दुआएं आप मुझे देते होंगे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपने उसको सहा है तकलीफ़ को और आपकी तकलीफ़ मैं महसूस कर सकता हूँ। तो देखिए जो भगवान इतना कर सकता है कि आप फटाफट चलने लगे, छत पे चढ़ने लगे, नीचे उतरने लगे, जो एक सीढ़ी पर दो बार पैर रख के ऊपर चढ़ता था, पहले इस सीढ़ी पे एक पैर रखा फिर दूसरा रखा, तो वो भगवान आपको पूरा ठीक भी कर सकता, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरे नुस्खे जात जो बताता हूँ मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बताता कि आप ठीक हो जाएं, मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहता हूँ जो नुस्खे जात को आगे बढ़ाते, आपने आगे बढ़ाया, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं बता नहीं सकता आप कितने कीमती हैं, और मेरा नुस्खा पहुँचाना आप तक, आपका दूसरों तक, अगर ऐसे ही सारे लोग हो जाएं तो ये संसार, भारत, हिंदुस्तान रोग मुक्त हो जाए, बहुत लोग तकलीफ़ में है, जैसे आपने तो एक आदमी को देखा है, हर घर में एक ऐसा आदमी बैठा है जो चल नहीं सकता है, हर घर में कोई ऐसा रोगी बैठा है जिसे आपकी ज़रूरत है, और आप अपनी बकिया ज़िंदगी सेवा में लगा दी है आपने, आपको भगवान बहुत मोहब्बत करता होगा। और देखिए जिसको भी आपने दवा दी, आपकी नीयत अच्छी, नीयत के बगैर नहीं होता कुछ भी, भगवान हमारी नीयत समझता है, हमारे खदो खाल से, हमारे चेहरे से, हमारी लंबाई, हमारी खूबसूरती कोई अहमियत नहीं, हमारा जो करेक्टर है बस वो उसको पसंद है, अच्छा है तो वो अच्छा है उसकी नज़र में, हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपना फ़ायदा उठाकर फिर दूसरे तक फ़ायदा पहुंचाते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको सलाम करता हूं। जी हकीम साहब, रसवंती और कलमी शोरा का फ़ायदा? अच्छा देखिए, रसवंती को रसौत भी कहते हैं, और रसौत एक कुदरती चीज़ नहीं है बल्कि ये एक बनाई हुई चीज़ है, इसका एक पेड़ होता है
रसोत का, जिसको पानी में उबाल कर उसका रस निकाल लिया जाता है और वो गम को पिला दिया जाता है, तो वो जमा हुआ होता है, आपने देखा उस पत्ते वत्ते भी चिपके होते हैं, तो उसको रसौत कहते हैं। ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी है और ये कब्ज को भी दूर करती है और ये जॉन्डिस को भी अच्छा करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, एक दवा इतने असर करती है, इतने फायदे करती है कि हम अगर उसके बारे में बोलने लगे तो पूरा घंटा चला जाए, किसी कॉल नहीं लग पाई पाए। तो हमसे कभी पूछे तो ये पूछे कि इस रोग में फायदा करती है क्या नहीं। इसी तरह कलमी शोरा भी है, कलमी शोरा हमें वर्म दूर करता है और पेशाब आवर है, बहुत ज़्यादा पेशाब लाता है और किडनी की सफाई भी करता है और बहुत सारे काम करता है। अच्छी चीज़ है, इसकी एक चुटकी से दो चुटकी खुराक, इसे ज़्यादा नहीं ले सकते, काफ़ी तेज़ भी होता है। जी हकीम साहब, बच्ची को लेके था कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। हाँ, जी अच्छा, देखिए बहुत बड़ी पथरी है, आप कोशिश कर सकते हैं, वादा नहीं करता। 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जैतून का सिरका 2 गिलास पानी में डाल के इस बच्ची को पिला दें, सुबह को खाली पेट अगर पी ले, और सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ही कोशिश करें, निकलना होगा तो निकल जाएगी, वरना फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ सकता है। झांसी से हैं राजू, स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्कार सर, राजू जी, आदाब। मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा मैम आपका, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जी 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 राजू भाई, हाँ मैम, नमस्ते नमस्ते, डॉक्टर साहब से बोलो नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, टीवी मत सुनिए, हमसे फोन पर बात करें प्लीज। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने आप गौन गौन चेयर मंगाया था दवाई, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो अच्छा, मैं वो खा रहा डॉक्टर साहब, तो अभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, करीब 20 दिन हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए इसकी खुराक है 1/2 ग्राम, अगर कम खा रहे हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, 1/2 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, 1/2 ग्राम रात को खाने के बाद, और अभी 20 ही दिन हुए हैं। अगर ये बढ़ता दर्द तो बहुत आप शिकायत करते हैं, बढ़ा तो नहीं है, कुछ कम हुआ होगा, और ये 3 महीने 10 दिन चलता है, आपने 100 ग्राम लिया होगा और ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा पहुंचा देता है, अक्सर हमारा तजर्बा है ऐसा। वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और अगर दर्द की गोली आपकी छूट गई है या कम हो गई तो आपको फ़ायदा है। अक्सर इस दर्द में दर्द की गोली लेनी पड़ती है, अगर वो कम लेनी पड़ रही है या बिल्कुल नहीं लेनी पड़ रही तो यही फ़ायदा है, वैसे 20 दिन में फ़ायदा नज़र आता है। बस आप हिदायत पर अमल करें जो मैंने आपको बताया, एहतियात, वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी महाराष्ट्र से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम दुलैन है जी, मेरी उम्र 18 साल है और मुझे डस्ट एलर्जी है, और इतनी छींक आती है ना मुझे, तो पूरा आंग में बुखार चढ़ जाता है, और अभी मेरे बाल भी बहुत गिर गए। ठीक है जी, अच्छा, देखिए जब तक ऐसे मरीज को इम्यूनिटी पूरी ना कर दी जाए, इम्यूनिटी तो है आपके अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, ये पूरी नहीं है, कम है, तो जब तक इस रोग में फ़ायदा होना मुमकिन नहीं है। और इम्यूनिटी के लिए मैं जो नुस्खा बताता हूँ वो अगर आप 5-6 महीने ले लें, और बशर्ते कि आप खट्टी चीज़ें भी छोड़ दें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीद लें, और 30 ग्राम इसमें पीपले या पीपला मूल कहते हैं,
मिला दें। इनको पाउडर बना एक चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुझे से कहते हैं, गर्म पानी से या चाय से ले लिया करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो रात को सोते वक्त भी ले लिया करें। अगर ये आप 5-6 महीने लगातार इस्तेमाल करते हैं और खट्टी चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से परहेज करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी,